हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम जानने वाले कोस्ट गार्ड एग्जाम, अभी जो रिजल्ट हुआ कोस्ट गार्ड का, उसके ऊपर बहुत सारे डाउट्स हैं। पहली बात तो ये, इतना लो कट ऑफ क्यों गया है? दूसरा, ये असेसमेंट टेस्ट या एडेप्टिटी टेस्ट क्या होने वाला है स्टेज टू के अंदर? तीसरा, ये रजिस्ट्रेशन हैज बिन क्लोज क्यों आ रहा है? किसी का 24 आवर्स के बाद लॉग इन करने के लिए कह रहा है, किसी किसी का मार्क्स नहीं शो कर रहा है, और किसी किसी के ना, मान लो जैसे वो फेल भी हुए तो एक नंबर से हुए, अगली बार कैसे करना है उनको, किसी का कट ऑफ शो नहीं कर रहा है। मतलब बहुत सारे, मतलब है ना, अभी जवाब देने हैं आपको, आपको जानने होंगे। तो सारे जितने भी डाउट्स मन में घूम रहे हैं, वो सबका एक एक करके मैं यहाँ पे आपको आंसर दूंगा। आप आराम से पहले सुन लो इस वीडियो को ना, तब पेशेंस के साथ एंड तक देखना, जो भी डाउट्स होगा मन में सब कुछ दूर हो जाएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। और जिसका मेल आया है, मैसेज आया है, जरूरी नहीं कि उसी का रिजल्ट हुआ है। मेल और मैसेजेस सबको सेंड करते हैं कोस्ट गार्ड वाले। अब डिपेंड करता है सर्वर के ऊपर, किसके पास पहुंच गया, किसके पास नहीं पहुंचा। तो अपना अपना लॉगिन करके देखो। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंग्लिश की एक बेस्ट बुक के बारे में बताना चाहूंगा। चाहे आप एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, NDA किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक इंग्लिश की बुक है सूरवीर, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, ठीक है। ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है सुमन सरपा मैम के द्वारा, जो एशियन के इसका पब्लिशर है एशियन, ठीक है। इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और इस बुक में क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगी। पहली बात तो ये बुक जो है इंग्लिश मीडियम के अंदर है। इसमें कंप्लीट जो है ग्रामर्स के टॉपिक्स दिए हुए हैं, साथ साथ आपको इसके अंदर 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे कंटेंट में जाओगे तो आपको पूरा ग्रामर का टॉपिक वाइज चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें वोकैबुलरीज मिल जाएंगे, चाहे आपका सिनोनिम सेंटोनिम हो, जो भी चीज़ खोजते हो ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम, फ्रेजेस वगैरह, फ्रेजल वर्ब, ये सब भी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और साथ में वोकैबुलरी की प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। जैसे सिनोनिम याद करने के बाद क्या करें, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कर्सर के पास, यहाँ पे एक्सरसाइज ऑन सिनोनिम्स, मतलब ऐसे करके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सबके जो है एक्सरसाइजेस दे रहेगी, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओगे। इसके अलावा कुल मिला के देखो मॉक टेस्ट 100 है, तो यहाँ पे इंग्लिश के मॉक टेस्ट ही होंगे ना, तो 20-20 क्वेश्चन के सेट बना रखे गए हैं, जिसमें कि पूरे 100 मॉक टेस्ट है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मान लो पूरा ग्रामर हमने पढ़ लिया, वो क्या पढ़ लिया, तो आप प्रैक्टिस करने होते, तो इसको पढ़ने के लिए आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट दे रखा गया, 100 मॉक टेस्ट। अगर हम ग्रामर कंटेंट के बारे में बात करें तो ये पूरा इंग्लिश में होगा, मैं पहले ही चीज़ बता दे रहा हूँ। जिस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है, जैसे आर्टिकल पढ़ने तो पूरा रूल आप पढ़ पाओगे आप इस तरीके से इंग्लिश में। और अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह देना चाहते हो तो मॉक टेस्ट आपको इस तरीके से दे रहेंगे, 20-20 के सेट बना के, और इसके साथ साथ आपको आंसर कीज भी दे रहेंगे इसके, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी दिया रहेगा। तो ये बुक आपके इंग्लिश प्रिपरेशन को मतलब बूस्ट करेगी और एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर करने में काफ़ी मदद करेगी। तो मैं फिर से बोल दूं, ये जो बुक है, इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जिसको भी बाय करना, आप एग्जाम से पहले बाय कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हैज बिन क्लोज क्यों दिख रहा है, एक एक क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन हैज बिन क्लोज लिखने के 2 प्रॉब्लम हो सकते हैं। पहला तो ये चीज़ देखना, रुको मैं थोड़ा सा यहाँ से पेन ऑन कर लेता हूँ। ये देखना, आपने जो लॉगिन कर रहे हो यहाँ पे 01/2024 लिखना चाहिए, CZEPT CZ CAT का मत ओपन कर लेना, CZEPT का देखना, CZ CAT का तो असिस्टेंट कमांडेंट का होगा, और CZEPT 01/2024 बैच। अगर ये सब कुछ ठीक है फिर भी देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हैज बिन क्लोज लिख रहा है, तो इसका मतलब देखो ये होता है ना कि आपने ईमेल या पासवर्ड कुछ गलत डाल रखा होता है। तो कभी 2 चीज़ें लिखते हैं ये लोग, पहले ये रजिस्ट्रेशन हैज बिन क्लोज, दूसरा क्या ना इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ये दोनों में से कुछ भी लिख देता है। ये हमेशा से CDAC के थ्रू, जो एयरफोर्स की भी साइड बनी है, नेवी की साइड बनी है, कोस्ट गार्ड की साइड बनी है, ये चीज़ें उसके अंदर आती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ जब भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन है, आप इस पर फॉरगॉट पासवर्ड करो और नया पासवर्ड बना के इसके अंदर डालो। अब नया पासवर्ड किस तरीके से बनाना, जैसे मेरे को मान लो डालना है धीरज, तो मैं यहाँ पे धीरज कुमार नहीं डाल दूंगा, तो मैं यहाँ पे धीरज का कैपिटल D डालूंगा, उसके बाद मैं SHIRAZ डालूंगा, ठीक है, कुछ भी नाम है जो आपका मान लेते हैं, कुछ भी आप डाल सकते हो पासवर्ड में। इतना डालने के बाद एक स्पेशल कैरेक्टर, जैसे आप @ का यूज कर लो, या फिर कोई एक हैश का यूज कर लो, कुछ भी एक यूज कर लो, उसके बाद कुछ नंबर डाल दूंगा, 1, 2, 3, ठीक है, या फिर 3, 4, 5, कुछ भी नंबर डालो, ठीक है। तो कुल मिला के कैपिटल लेटर होने चाहिए, स्मॉल लेटर होने चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और कुछ नंबर होने चाहिए, ठीक है। ऐसा पासवर्ड आप बनाओगे, फॉरगॉट पासवर्ड करने पे आपको सारी चीजें आपको शो करेगी, किस तरीके से फॉरगेट पासवर्ड करोगे ना, तो वहाँ पे आपको ईमेल डालना होगा, ईमेल डालने के बाद और नंबर डालना होगा, फिर उस पर OTP आएगा, OTP के बाद OTP डालोगे तो एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड जाता है, तो ईमेल और सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड डालोगे तो नया ईमेल बनाने का ऑप्शन आएगा। ये बहुत ईजी स्टेप्स है, सिंपल स्टेप्स है, जो कि हर बच्चा कर पाएगा मोबाइल से या फिर लैपटॉप से, किसी से भी।
अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा आपको, आपको नहीं यूज करने आता है, तो या तो घर के आसपास कोई बच्चा है जिसको यूज करने आता है उससे आप फॉरगॉट पासवर्ड करवा लो, उसको भी नहीं आ रहा तो फिर आप साइबर कैफे से कॉन्टेक्ट कर लो, 5-10 रुपए लेके कर देंगे आपका, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मान लो किसी का 24 आवर्स लेटर दिखा रहा है, अगर इसका मतलब वो बार बार इनकरेक्ट डेटा डाल रहा है, गलत डाल रहा है, ठीक है, बार बार गलत आईडी पासवर्ड डाल रहा है, तो इसका मतलब उसको 24 आवर्स वेट करना होगा। जब आपको ये ब्लॉक किया गया 24 आवर्स के लिए, उसके बाद आप फॉरगॉट पासवर्ड करके आप फिर से लॉग इन मत करने लगना, ठीक है। अगर ये चीज आ गया तो 24 घंटे के बाद आपको फॉरगॉट पासवर्ड करना है। फॉरगॉट पासवर्ड करने के बाद आपको क्या करना है भाई, आपको पासवर्ड रिसेट करके देन लॉग इन कर लेना, ठीक है, कैप्चा वगैरह डाल के। अब यहाँ पे देखो किसी किसी का ना मार्क्स नहीं शो कर रहा है, देखो मार्क्स 2 में से 2 बच्चों का शो नहीं कर रहा होगा, या तो वो जो स्टेज 2 के लिए क्या है ना, आपका स्टेज 2 के लिए सिलेक्टेड है तो आपका मार्क्स नहीं शो करता। अगर आप स्टेज 2 में क्वालिफाइड हो, यहाँ पे आपका लिख रहा है शॉर्टलिस्टेड, तो आपका नहीं मार्क्स शो करेगा। दूसरा, वो बच्चा फेल भी है, साथ में उसने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी अगर पास नहीं कर रखा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये बच्चा देखो यहाँ पे 2 टाइप का शो कर रहा होगा। पहले तो मैक्स मार्क्स, तो मान लो सेक्शन 1 में जो है आपको 60 नंबर के पेपर हुए थे, सेक्शन 2 50 नंबर के होते, तो मिनिमम आपको सेक्शन 1 में 30 नंबर लाने थे और मिनिमम सेक्शन 2 के अंदर 20 नंबर लाने थे, ठीक है, मिनिमम इतना लाना ही था। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है ना कि वो मान लो इसमें तो इनका जो है 43 और 26 इन्होंने ला रखा है, दोनों में देखो मिनिमम मार्क्स इनका ज्यादा है, तो ओवरऑल देखो इन्होंने 69 नंबर लाया और कट ऑफ गई है 70, तो इनका कट ऑफ शो कर रहा है। रीजन, क्योंकि ये मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, पासिंग मार्क्स है, इससे इनका मार्क्स ज्यादा है लेकिन कट ऑफ से कम है, तो दैट्स वाई रीजन इनका शो कर रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा है ना जो इनका 43 है, तो 30 की जगह अगर उनका 29 ही आता, आपने ये मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, उसको भी क्रॉस नहीं किया, तो उस सिचुएशन में ये जो नीचे का पार्ट है वो शो नहीं करेगा, आपको कट ऑफ भी नहीं बताया जाएगा। रीजन ये क्यों नहीं बताते, इसलिए कहते कि भाई तुम पहले मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो पास करो, तब कट ऑफ जानना, तुम तो ये भी नहीं ला रहे, उनका कहने का मतलब ये है। तो जब तक आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पास कर जाते हो देन फिर भी फेल हो, तो ये कह रहे हैं आपसे वो कि भाई देखो आपने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो पास कर लिया जो चीज था, लेकिन हमने कट ऑफ बनाया जो क्राइटेरिया 70 नंबर, उसको आपने पास नहीं किया, अभी भी आपके पास 1 नंबर कम है, तो ये चीज आपको बता रहे, ठीक है। अब दूसरा आपके पास रह गया होगा असेसमेंट टेस्ट वगैरह के बारे में, ठीक है, एडेबिलिटी टेस्ट क्या, मैं वो चीज बताऊंगा, बट उसके पहले ये बताऊंगा जो बच्चे फेल हैं और अगली वैकेंसी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे कोस्ट गार्ड बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जो कि देखो चाहे आप जीडी से हो, इस बार जीडी डीवी यांत्रिक तीनों के बच्चे हमारे भर भर के सिलेक्शन ले रखे हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीजों को मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि बाद में कोई डाउट्स ना हो, फिर आप किचकिच ना करो बैच में आने के बाद। देखो पेड बैचेस के अंदर भी जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ ना, स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसी तरीके से कराया जाता है, पहली बात तो ये, ठीक है, इसके अंदर कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दी जाती है, दूसरी बात ये, तीसरा नंबर, ये चीजें मैं बार बार बोलता हूँ फिर भी कुछ लोग ज्वाइन होकर कहते हैं नहीं मुझे ऐसे नहीं चाहिए था, मुझे वैसे नहीं चाहिए था, तो मतलब 100 में से 1-2 बच्चे ऐसे कहते हैं ना कि नहीं मेरे को जब टाइम मिल रहा था मेरे को आप पढ़ाओ, तो भाई पर्सनली हर इंसान को पढ़ाना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना, एक बात बताओ, सैकड़ों बच्चे ज्वाइन करेंगे, अब 100-200 बच्चे कहेंगे ना कि नहीं, मान लो अभी रिसेंटली 100 बच्चे आ गए, तो वो एक कहेगा मेरे को 4 बजे पढ़ाओ, एक कहेगा 2 बजे पढ़ाओ, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना, इसलिए हम लोग रिकॉर्डेड क्लासेस देते हैं कि आपको जब टाइम मिले, ठीक है, आप जब फ्री हो तब जाके पढ़ो, तो फिर वो किचकिच वाला काम नहीं करते बिल्कुल भी हम लोग। तो यहाँ पे रक्षक बैच के अंदर क्या क्या होगा, आप चाहे जीडी से हो या फिर आप डीवी से हो या फिर आपको अगली भर्ती के लिए यांत्रिक की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, तो यांत्रिक इनमें से जो भी चीज करनी है आपको, तो एक चीज समझो, सेक्शन 1 की प्रिपरेशन हम लोग कराएंगे, सबके अंदर 60 नंबर का पेपर जो आता है, जो 60 में से 55 तक स्कोर कर पाना बहुत आसान तो नहीं है, बट कोशिश करेंगे तो कर जाएंगे, 50+ कर जाएंगे, ठीक है। तो इस बैच में आप ज्वाइन करो, अभी इसकी ऑफर प्राइस है 500, तो मैं बोल रहा था ना कि रिजल्ट आने तक इसकी प्राइस मैं कम रखूंगा, बाद में मैं इसकी बढ़ा दूंगा, तो मतलब 22 दिसंबर तक आप इसको 500 रुपीज में ले सकते हो, बिकॉज 23 दिसंबर से इसकी प्राइस 700 करेंगे और नई भर्ती आने के बाद इसकी प्राइस 900 करेंगे, बिकॉज इसका मेन प्राइस 900 रुपये रहता है हर साल, आप पिछले 1 साल से देख लो कोस्ट गार्ड बैच की प्राइसेस 923 रुपये रहती है, इसे कम नहीं रहता है, तो अभी ऑफर में मैं दे रहा हूँ, रीजन उनके लिए कि जो बच्चे अभी रिसेंटली फेल हुए और वो 513+13 रुपये टैक्स लग जाता है, 513 रुपये में इस बैच को ज्वाइन करोगे, जहाँ पे हम लोग सेक्शन 1 की कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस, आने वाली मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, जो ओल्ड मॉक टेस्ट है वो भी, और हमारी जो टॉप 500 सीरीज की इंपॉर्टेंट PDF होती है वो सभी चीजें इसके अंदर हम देंगे। और आपको पता है GD के अंदर भी सेक्शन 1 का मैथ इस बार भर भर के पूछा गया था, जिसका सेक्शन 1 मतलब स्ट्रांग होता ना, वो सेक्शन 2 को भी फोड़ रहा होता बढ़िया नंबर से। तो अगर फिर भी आपको इस बैच से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, बाय करने से पहले अगर ट्रस्ट बनाना है या फिर जानना है, तो पहले व्हाट्सअप करके पूछ लिया करो,
तभी बाई किया करो। ये मतलब होता है ना कि नहीं डिसअपॉइंटेड वाली चीज है, नहीं कि सर मुझे ये डाउट था फिर भी मैंने आपका बैच ले, कुछ भी डाउट जब मन में ना हो तब आ जाओ, ठीक है? क्योंकि हम रिजल्ट देने में विश्वास करते। कल मैंने रिजल्ट दिखाया टेलीग्राम पे भी, और बहुत सारे रिजल्ट हमारे पास है जो भेजना टेलीग्राम पे अभी। तो रिजल्ट पहले देख लिया करो, उसके बाद ज्वाइन किया करो, या फिर जब तक मन में शंका डाउट्स के साथ आप कहीं पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है? तो ए टू जेड स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब हम बात कर लेते हैं असेसमेंट टेस्ट के ऊपर भी, बात कर लेते हैं कि असेसमेंट टेस्ट क्या, पहले कट ऑफ लो क्यों गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लो कट ऑफ के ऊपर, लो कट ऑफ जो है इसी की वजह से गई है। जब मैं कट ऑफ की वीडियो बना रहा था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रिजल्ट आने से पहले एग्जाम के बाद, तो मैंने ये चीजें आपको बताई थी। क्या बताया था? देखो कट ऑफ का इस बार दो चीज हो सकता है, या तो हर साल की तरह हाई जाएगी, कब, जब वो एडेप्टिटी टेस्ट को सीरियस नहीं लेंगे तब। जैसे जस्ट होता है ना कि चलो एडेप्टिटी टेस्ट उनके दिमाग में हो रहा होगा कि इजी बनाना है, हर लगभग लगभग बच्चा पास हो जाए, ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा होगा उनके, तो वो हाई कट ऑफ ही ले जाएंगे, लिमिटेड में बच्चों को लेंगे। लेकिन उन्होंने एडेप्टिटी टेस्ट को अगर सीरियस ले लिया कि नहीं यहाँ पर भी बच्चों को छाटना है, तो लो कट ऑफ जाएगी और कट ऑफ लो जाएगी और ज्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे, ताकि उनको पता है कि अभी एडेप्टिटी टेस्ट बाकी है जना, फिजिकल से पहले एडेप्टिटी टेस्ट आपका होगा, ये चीज दिमाग में रखना। तो जो भी बच्चा पास हो गया है तो वो दिमाग में बिल्कुल रख ले कि एडेप्टिटी टेस्ट के लिए प्रिपेयर होना है बढ़िया से। और एडेप्टिटी टेस्ट अभी ना हम अंधेरे में तीर चलाने जैसा हमारे लिए, क्योंकि कोस्ट गार्ड फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहा है एडेप्टिटी टेस्ट को, जिसको असेसमेंट टेस्ट के नाम से भी बोला जा रहा है, और किसी को उसने एकदम खुल के नहीं बताया कि क्या लेंगे एडेप्टिटी टेस्ट के अंदर। हम लोग एयरफोर्स के अंदर जैसे एडेप्टिटी टेस्ट होता है तो उसके अंदर ठीक है रीजनिंग के सवाल आ जाते हैं, और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जिसको SRT के सवाल कहते हैं वो दे देते हैं, और आपका लगभग लगभग बच्चे पास हो जाते हैं उसमें, ना के बराबर फेल होते हैं। लेकिन कोस्ट गार्ड वैसा नहीं करेगा, मैं जहां तक जानता हूँ। रीजन क्या है ना, देखो एडेप्टिटी टेस्ट वैसा कोस्ट गार्ड क्यों नहीं करेगा, थोड़ा सा अलग करना चाहिए रीजन। इसके पीछे का लॉजिक मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे रात में सपना आया था सुबह में बता दिया। देखो असिस्टेंट कमांडेंट का जब आप जाओगे ना एग्जाम देने फेज 2 में, तो वहां पे जो आपका SRT वगैरह होता है उसको अलग नाम से बोलते हैं, एडेप्टिटी टेस्ट ही मान लो उसका असेसमेंट टेस्ट, उसके अंदर ना ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी स्लाइडर पे चला देते हैं, ठीक है? सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी इसके ऊपर स्लाइडर पे चला देते हैं, कुछ रीजनिंग के सवाल हो जाएंगे, कुछ मतलब SRT के सवाल हो जाएंगे, सब कुछ मिक्स रहता है इसके अंदर। वो लोग क्या करते हैं ना कि स्लाइड चला देंगे, मतलब क्वेश्चन नहीं देते, एक स्लाइड चलाते हैं, हर क्वेश्चन का टाइम लिमिट रहता है असिस्टेंट कमांडेंट का। लेकिन अभी नाविक बैच में जो GDDB यांत्रिक के लिए, इन्होंने क्लियरली कुछ भी नहीं बताया आपको। तो मैं ये कहूंगा ना कि इसके लिए आपने जो फेज 1 के लिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ा है वो बढ़िया से पढ़ो, चाहे आपने कहीं से भी तैयारी की है, चाहे मेरे पास से या फिर किसी और से या फिर सेल्फ स्टडी से, उसकी नोट्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करो। अब मैं लास्ट टाइम ये नहीं कहूंगा ना कि लास्ट टाइम आप स्टार्टिंग में आपने पढ़ा कहीं से और स्टेज 2 में पढ़ लो मेरा, ये बेवकूफ़ी वाला बात हो जाएगा। रीजन क्या है ना इस बेवकूफ़ी, क्योंकि आपका माइंड बैठा है उसके साथ, उसके एजुकेशनल कंटेंट के साथ तालमेल आपका बैठ गया, तो आप उसी को रिवीजन करो। लास्ट टाइम मेरा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जहां से आपने पढ़ रखा है स्टेज 2 में जाओ तो वही नोट्स को पढ़ो जहां से आपने पढ़ा है, और जो हमसे पढ़ के गए हैं तो ऑब्वियसली आप हमारे साथ फैमिलियर हो, हमारे कॉन्टेंट से फैमिलियर हो, आपको रिविजन करने में आसानी होगी। तो आपने जो भी वोकैबुलरी पढ़ रखा होगा, रीजनिंग्स पढ़ रखी है वो पढ़ो, और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट ईजी होता है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, जैसे होता है ना कि मान लो कोई एक सिचुएशन आ जाएगा उस टाइम आप कैसा रिएक्ट करोगे, उसमें सारे ऑप्शंस के आंसर सही रहते हैं, कुछ भी गलत नहीं रहता, तो बाकी सबके मार्किंग अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कोई ऑप्शन परफेक्ट होगा, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन, देखो जैसे मान लेते पुलिस को आप देखे ना, आप चोर नहीं हो फिर भी घबरा सकते हो, इसका मतलब थोड़ी कि आपने कुछ गलती कर दी, नहीं वो मन का भ्रम है। लेकिन आप चोर हो फिर भी घबरा गए तो ऑब्वियसली चीज है कि मान लेते एग्जाम्पल देते, मान लो आपके सामने पुलिस आ जाता है अचानक से, आपके सामने 4 पुलिस आगे खड़े हो गए अचानक से, तो सिचुएशन ये हो सकता है कि आप डर के ना कांपोगे, ठीक है? आप और उधर से भाग जाओगे, डर के मारे भाग जाओगे, आपने चोरी नहीं की है फिर भी। दूसरा क्या करोगे, आप वेट करोगे, ठीक है, कि क्या वो बोलते हैं क्या नहीं बोलते। तीसरा ये हो सकता है कि आप ध्यान ही नहीं दोगे उसके ऊपर, एकदम टेंशन फ्री रहोगे, मतलब बोलते हैं ना कि हम उस पर, या फिर मेरा माइंड ही नहीं जाएगा इस चीज के बारे में, सोचूंगा ही नहीं, ये कोई सिचुएशन नहीं रहा, मैं आप जस्ट एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि मैं ना सोचू, या फिर मैं उसके आने का वेट करूँ, या फिर कोई इंसान उत्साहित हो जाएगा, चल पुलिस से बात करने का मौका मिलेगा, या फिर डर के भाग गया। इसमें कोई गलती है क्या? डर के भाग गया ठीक है, उसका मन का डर है, इसमें कोई गलती नहीं है। आप वेट कर रहे हो उत्साहित, उसमें से कुछ भी गलती नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर ले लूँ, घर में आग लग गई, मैंने बोला था एक इंसान घर छोड़ के भाग भी सकता है, वो डर रहा है, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं कर रहा है, डर के भाग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इंसान पानी डाल के आग बुझा रहा है, दूसरा इंसान पड़ोसी को चिल्ला रहा है, तीसरा इंसान हो सकता है कि वो फायर ब्रिगेड को फोन कर रहा है, तो वो इंसान के ना प्रेजेंस माइंड कैसे काम कर रहे हैं
उस पर डिपेंड करता है, इसमें से कुछ भी गलती नहीं है। और ये ना सवाल जो SRT का सवाल होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, इसमें आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं ली जाती है, इसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है कि आप किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते हो। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो, आपको मेन फोकस सिनोनिम्स एंटोनिम्स को पढ़ते रहना है और रीजनिंग्स की प्रैक्टिस करते रहनी है। ठीक है, तो यही मैं कहूंगा, एडेप्टिटी टेस्ट के अंदर कितना क्वेश्चन देंगे, कितने टाइम तक का देंगे, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। फर्स्ट बैच आने दो, इस बार का Stage 2 देके बच्चों को आने दो, तभी पता चलेगा। देखो मैं एक चीज फिर से कहूँगा, अगर कोई इंसान कोर्स बेचने के लिए कह देता है कितने सवाल आएंगे, इतने टाइम दिए जाएंगे, तो नहीं मानो किसी की बात, किसी की बात मत मानो, किसी की बैचेस मत लो Stage 2 के लिए, क्योंकि किसी को नहीं पता अभी तक। ठीक है, Stage 2 में क्या होगा किसी को नहीं पता, इवन कोस्ट गार्ड ने जब ऑफिशियली सिलेबस नहीं दिया, तो कोस्ट गार्ड किसी का पड़ोसी है, पड़ोसी भी है तो क्यों बताएगा भाई। अगर मैं ही टेस्ट ले रहा हूँ तो मैं क्यों किसी से ढिंडोरा पीटते चलूंगा कि मैं ये सवाल दूंगा, उतने सवाल दूंगा, जब उसने ऑफिशियली नहीं बताया तो किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप जो चीजें मैंने बताई उसको फॉलो करो एंड तक, और उम्मीद है जो जो चीजें डाउट्स थी मैंने बता दी। बाकी बैचेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करो। और वही मैं कह सकता हूँ कि जिसकी इस बार रिजल्ट नहीं हुआ, अगले बार का प्रिपरेशन करो अभी से। और नेक्स्ट भर्ती के बारे में अगर आप सोच रहे हो क्या रहेगी, तो हर साल जनवरी में आती है, और इस बार मे भी डिले करे तो फरवरी तक आए। ठीक है, डिले करे तब, क्योंकि इस बार की भर्ती डिले चल रही है, और इसकी ट्रेनिंग जो होती है कोस्ट गार्ड की ना, वो कहीं ना कहीं नेवी पर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि दोनों चिल्का बुलाते हैं, और कुछ इसकी बेसिक ट्रेनिंग जो है नेवी के साथ हो रही होती है, तो दोनों की भर्ती में थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटीज आपको देखने के लिए मिलता है, कॉमन देखने के लिए मिलता है। तो नेवी का वैकेंसी और इसकी वैकेंसी में भी आसपास आ जाए, तो ये चीज़ थोड़ा सा लेके चलना, क्योंकि इस बार ही देख लो कोस्ट गार्ड और नेवी की जो ज्वाइनिंग हुई, एक का 5 को हुआ और एक का 15 को हुआ, तो इनकी बेसिक ट्रेनिंग्स भी कहीं ना कहीं नेवी के साथ, नेवी के अंडर में कराई जाती है, तो चीज़ें मैटर करती हैं, दोनों की भर्ती पैरेलल होती है, तो ये चीज़ें आपको समझना होगा। तो बाकी इसके अंदर कुछ है नहीं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जो बच्चा टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ा, टेलीग्राम पर सर्च करो @A to Z स्टडी, आपको टेलीग्राम चैनल मिलता है।